नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि बहुत ही खुशखबरी उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी जो कर्मचारी चयन आयोग में है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, किसी भी चीज़ की अगर जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी खुशखबरी आ रही है। एक खुशखबरी की मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा पोस्टें भी हो गई हैं और कैसा क्या निकला है, तो इस वीडियो में वो सब आपको जानकारी दी जाएगी। इसकी तैयारी कैसे करनी है, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे रिटन टेस्ट हो, कैसे क्या सारे प्रोसीजर या सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो देखिएगा इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि एसएससी सिलेक्शन कमीशन एसएससी आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द फॉर्म या पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी 2020। ठीक है, तो मतलब एसएससी ने जारी किया है हाल ही में, कितना क्या पद जारी किया है वो सब यहाँ पे देख लेते हैं और कैसे क्या क्या फीस लगना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, अगर आप जनरल ओबीसी या इकोनॉमिकल बी सेक्शन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म की लगेंगे फिलिंग के, बाकी एससी एसटी को कोई भी फीस नहीं लगनी है। साथ ही साथ जो फीमेल या लड़कियाँ हैं उनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। कहा जाए लास्ट डेट एप्लीकेशन की कब है, तो ये 31/8 तक है, इसको याद रखिएगा 31/8 तक आपको फॉर्म फिल करना ही है हर हाल में, उसके पहले ही कर लीजिएगा, 31 के लिए नहीं बैठिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो कैसे क्या निकला है, तो इसमें अगर एज की बात करें कि कितनी आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, तो उम्र मांगा गया है 18 साल से लेकर 23 साल तक। और इसमें जो आपका सेंट्रल का है तो सेंट्रल में एज रिलैक्सेशन भी है, कितना क्या है वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा। तो 18 से 23 साल के उम्मीदवार, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसको भर सकते हैं। कहा जाए कैसे आपकी आयु की गणना की जाएगी, तो 1/8/2021 तक गणना की जाएगी। जैसे मान लो किसी बंदे की 1/8/1998 है तो यहाँ से इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, 2021 तक याद रखिएगा। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी है 25,271, जिसमें मेल की पुरुषों की 22,424 हैं और फीमेल की 2847 हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इस बार निकल के आई हैं। ये देखिएगा किस किस डिपार्टमेंट में किस किस प्रकार की है, तो कहा जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास हैं, हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो आपका 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। तो देखिएगा बीएसएफ में निकला है 7,545, सीआईएसएफ में 8,000 की लगभग कुछ है। और आगे देखिएगा सीपीआरएफ में एक भी वैकेंसी नहीं है, ये देखिएगा। एसएसबी में आपकी 3806 है, आईटीबीपी में 1431, असम राइफल में 3785, एनआईए में 0, कोई दिक्कत नहीं है, एसएसएफ में 240। ठीक है, अगर फोर्स वाइज देखा जाए तो बीएसएफ का देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं सामान्य के लिए, तो ये सारी सीटें सामान्य के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए है और एसटी के लिए है, जिसमें मेल या फीमेल दोनों की कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से आकलन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर कहा जाए इसके फिजिकल की, तो देखिएगा जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो सामान्य के हों, अनपिछावर के हों या एससी वाले हों, उनके 170 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, चेस्ट का फुलाव चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर और रनिंग चाहिए मतलब उसकी दौड़ होगी 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में। इसी के साथ अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें लंबाई की थोड़ी कम भी चलेगी, अगर आपकी 165 सेंटीमीटर है तो ये भी आप भर सकते हैं। चेस्ट का फुलाव 76 से 80 सेंटीमीटर भी चलेगा, लेकिन रनिंग आपकी वही रहेगी जो 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में ही। इसी के साथ अगर बात करते हैं सामान्य अनपिछावर या एससी की फीमेल कैंडिडेट की, तो उनकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई नापतोल नहीं है और दौड़ है उनकी 8.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर। ऐसी ही अगर एसटी बात फीमेल की जाए तो इनमें सिर्फ लंबाई में तो उनको छूट दी गई है, कितने की, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की, यानी कि 155 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए और दौड़ वही चाहिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्म कैसे भरना है वो तो सभी को पता होगा, एसएससी पे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा, अगर जिनका नहीं हुआ है तो किसी भी साइबर कैफे पर करवा सकते हैं या फिर खुद से भर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए पड़ेगा, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही साथ आपके सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो देखो एलिजिबिलिटी मतलब 10th पास, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो जिस पे आपका एड्रेस और आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए और बेसिक डिटेल जो हाई स्कूल पास, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यही सब।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये सब हो गया था, देखिएगा आईडी प्रूफ स्कैन कौन कौन से फ़ोटो होंगे, फ़ोटो होएगा स्कैन, साइन आपका होगा, आईडी प्रूफ होगा और कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में चार सेक्शन रहेंगे आपके, टोटल 200 क्वेश्चन का होगा। 200 क्वेश्चन अगर बोला जाए तो 100% का अगर माने तो एक क्वेश्चन, प्रति एक क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का। तो 25 क्वेश्चन अगर कहा जाए सारे मिला के, तो अगर आप मानते हैं कि अगर 200 क्वेश्चन ना लें, 100 क्वेश्चन ही लें, तो एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे, 100 नंबर के हो जाएंगे। तो 25 नंबर का ए रहेगा, 25 का ए रहेगा, 25 का ए और 25 का ए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आपकी आपकी मैथ वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी हिंदी वीक है तो आपके 25 यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हैं, 25 नंबर यहाँ से पा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपकी मैथ वीक है तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होगा। अगर किसी बंदे का जनरल नॉलेज का सेक्शन मजबूत है तो वो यहाँ से 25 में से ज़्यादा नंबर ले आएगा, यहाँ के कवर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर का डेली सेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके लिए एसएससी जीडी के लिए आज से एक नया बेंच, मतलब नया बैच ला रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, फ्री है पूरा, ठीक है। तो उसमें आपको शुरू से ही रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स करवाई जाएगी। इसकी गारंटी हम लेते हैं कि 25 में से कम 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे इन दोनों सेक्शन में। जनरल नॉलेज की बात करें तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, हाई स्कूल तक की साइंस, जनरल नॉलेज, अपना समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब पढ़ते रहें। हिंदी और इंग्लिश की बात है तो इसमें भी हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छे खासे इसमें 22 प्लस नंबर ला सकते हैं। सारे के सारे मतलब ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, आपको सीधा बबल फिल करना है, और अगर कंप्यूटर पर CBT होगा तो आपका आपको टिक मारना है। और कंप्यूटर पर होने से देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सबसे अच्छी सुविधा ये रहती है कि आप जिस बबल को टिक कर लेते हैं उसको बाद में इरेज भी कर सकते हैं, जो OAMR में नहीं होता है। 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, मतलब यानी कि 1.5 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा। कहा जाए एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिलेगा तो 10.85 से लेके 10.75 के बीच में, मतलब आपको ये समझ लीजिए कि आपको 3 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करने हैं, ऐसे कुछ समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आराम से पढ़िएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी है, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 गलत करते हो और 1 सही करते हो तो आपकी मार्किंग जो रहेगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 इसका, 1/4 इसका, चारों मिलके 1 माइनस का हो जाएगा, और 1 जो आपने सही किया है तो वो मिला के टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन का आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप 100% जिन पर आप भरोसा कर सकें। तुक्के कैसे लगा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे सारी आपकी जितनी भी सामग्री है पढ़ाई से लेकर वो सब यहाँ पे दी जाती है। तो ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।